नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हूं आपके चैनल जेसी स्पार्क में। दोस्तों आज हम कुछ नए मुद्दे पर बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप समझ चुके होंगे, हम बात करने वाले किम जोंग उन पर। समझ में आया, किम जोंग उन का मतलब है हम बात करने वाले हैं, जी हां, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। आज हम जानने वाले हैं क्यों नॉर्थ कोरिया बार बार टेस्ट करता है परमाणु बम का करता है, हाइड्रोजन बम का करता है। आखिर क्या पागल है किम जोंग उन, क्या कारण है साउथ कोरिया को परेशान करता है, कारण क्या है। जापान का नाम बीच में आ जाता है, चीन आ जाता है, रूस आ जाता है और साथ ही साथ यूएसए आ जाता है। ये सारे मुद्दे हम जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं इस मुद्दे से किस तरह से भारत पर प्रभाव पड़ने की शंका है, वो सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे ओनली वन आपके चैनल जेएसएस पार्क में। दोस्तों आइए आज बात करते हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वन डे एग्जाम हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हो। और पहली बात, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले सभी दोस्तों को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। हम ये भी जानने वाले हैं कि ये नॉर्थ कोरिया क्यों बन गया और ये साउथ कोरिया क्यों बन गया, ये सारे मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके भूगोल के बारे में जानने वाले हैं, यानी इसकी जियोग्राफी क्या है, यानी कहां पर ये स्थित हैं, ये जानने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखते जाइएगा, मैं बोलता रहूंगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन? नॉर्थ प्लस साउथ कोरिया। अगर आप मैप देखे हो तो आप मैप पे देखें कुछ ऐसी सी आकृति, ऐसे बिच्छू टाइप की आकृति, ये आपका नॉर्थ कोरिया ऊपर वाला है, ये साउथ कोरिया है, इधर कहीं जापान है, ये पानी का एरिया है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, तो बॉर्डर शेयर करते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में क्या, ये एग्जाम में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2009 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था कि नॉर्थ कोरिया कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो तीन देशों के साथ। कौन? नॉर्थ कोरिया तीन देशों के साथ करता है। नाम लिख लीजिए उनका नाम है, पहले का नाम है चाइना, दूसरे का नाम है साउथ कोरिया, ऑब्वियस सी बात है साउथ कोरिया होगा, और तीसरे का नाम है रूस। मैप में अगर आप जूम करके देखेंगे तो रूस का भी क्षेत्र यहां थोड़ा सा ऐसे लगा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा लगा हुआ है, ये रूस का क्षेत्र। तो तीन देशों के साथ रूस साझा करता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो भूगोल जियोग्राफी के बारे में जानने वाली है। आपसे पूछा जाता है येलो सी कहां स्थित है, येलो सी यानी पीला सागर, आपने पील सागर का नाम सुना ना, पीला पानी का सागर, वो कहां स्थित है, तो देख लीजिए ये स्थित है साउथ कोरिया के पूर्व में स्थित है, और चाइना के वेस्ट में स्थित है। तो तीसरा प्रश्न मैंने क्या बताया, येलो सागर कहां स्थित है यार, पहला साउथ कोरिया के पूर्व में स्थित है और चाइना के पश्चिम में स्थित है येलो सागर। अब हम जानने वाले हैं आखिरकार किम जोंग उन जब कभी भी परमाणु परीक्षण करता है तो सी ऑफ जापान के समुद्र का नाम क्यों आता है, क्योंकि चौथा प्रश्न मैं यहां लिख देता हूं, चौथा प्रश्न सी ऑफ जापान। अगर आपसे पूछा जाए सी ऑफ जापान कहां स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, जापान और कोरिया, कौन सी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में स्थित है। तो दोस्तों अभी तक हमने थोड़ी सी जियोग्राफी जानी, क्योंकि भूगोल जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों नाम आ रहा है चीन का, क्यों रशिया का नाम आता है, क्यों अन्य देशों का नाम आता है। हालांकि आपने देखा अमरीका कहीं किसी ओर से भी नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया से जुड़ा नहीं हुआ है भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन वो हिस्टोरिकली जुड़ा हुआ है। अब हम बात करने वाले हिस्ट्री की, क्यों हिस्ट्री में, तो आपने देखा येलो सी पीला सागर किसके बीच है, साउथ कोरिया के पूर्व में और चाइना के वेस्ट में।
हमने देखा सी ऑफ जापान, जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में तीन देशों से नॉर्थ कोरिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है, पहला है चाइना, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा है रशिया। ये जानने के बाद अब आइए उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने में। इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी, आपको समझ में आएगा क्या नॉर्थ कोरिया इसी तरह से साउथ कोरिया से अलग था पहले से ही, वो सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे किम जोंग उन आखिर बना तो बना कैसे, इतना बड़ा तानाशाह, रूस का कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति आखिर तानाशाह के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। एक मिक्सचप है, एक मिक्सचर है कम्युनिज्म और डिक्टेटरशिप का, वो सारी चीजें जानने वाले हैं हम। आइए पहले तो हिस्ट्री जानते हैं इसकी, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। ये देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी, हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की हिस्ट्री जानने वाले हैं, और इसमें हम ये बहुत सारी जोशियोन डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, और डायनेस्टी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग मस्ट बी फर्स्ट, इतिहास, इतिहास। तो देखिए, शुरू से आप लिखते जाइए, शुरू से दोनों एक कंट्री थी, यूनिफाइड थी, ध्यान दीजिएगा, यूनिफाइड एक था, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग नहीं था। और कब नहीं था, 1395 से लेकर 1910, यानी अगर आप कहना चाहें तो रफली कितने साल, 600 साल ना, एक औसत में 600 सालों तक, ध्यान दीजिएगा 600 सालों तक जोशियोन डायनेस्टी रहती है, जोशियोन डायनेस्टी। देखिए डायनेस्टी का मतलब होता है जब एक ही वंशज, जिसको बोलते हैं ना वंशज, यानी मान लीजिए मेरा पुत्र है, मेरे बाद वो राजा बन गया, उसका पुत्र है, उसके बाद वो राजा बन गया, तो ये एक डायनेस्टी, एक राजवंश चला आता है। तो जोशियोन डायनेस्टी रहती है 1395 से 1910 तक। अगर आपने प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व का वीडियो मेरा देखा है, उसमें मैंने बताया है किस तरह से 19वीं शताब्दी से लेकर के जापान एक इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाता है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, ध्यान दीजिएगा, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। और अभी अभी जियोग्राफी में आपने देखा सी ऑफ जापान जो है वो साउथ कोरिया और सॉरी नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में स्थित है। तो जापान चाहता है अपना विस्तार, जापान का जो साम्राज्य रहता है, जापान का जो साम्राज्यवाद रहता है, वो चाहता क्या, अपना विस्तार। इसी विस्तार के चक्कर में 1910 पर वो हमला करता है कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप है। अब एक बात और जान लीजिए, प्रायद्वीप क्या होता है, यही एक चीज आ गई है ना, प्रायद्वीप। हमने डायनेस्टी देखा, राजवंश किसे कहते हैं, जब एक बेटे का राजा दूसरा बने, दूसरे का तीसरा बने, तो इसे राजवंश कहते हैं, यानी एक वंश चला आता है। अब हम प्रायद्वीप देखते हैं, प्रायद्वीप एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, तीन तरफ से, तीन तरफ से पानी से घिरा, पानी से घिरा हो, यानी तीन तरफ से जो पानी से घिरा हो। अगर आप अपने प्यारे देश भारत को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे किस तरह से इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत भी क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो इस तरह से प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो 1910 में जापान ने हमला कर दिया कोरिया पर, जापान ने किस पर हमला कर दिया, कोरिया पर हमला कर दिया, और उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, तो 1910 से लेकर 1945 तक उस पर क्या किया है, राज किया है। आपको इसी में एक बात और याद रखनी है, कोरिया का एक बार युद्ध, यानी जापान का एक बार युद्ध 1904-5 में रूस से भी हो चुका है, रूस पे भी हमला करके जापान जैसी छोटा सा देश, रूस जैसे विशाल देश को, जार को हरा देता है, जार का शासन रहता है, निकोलस सेकंड का नाम आपने सुना होगा, इतिहास में कई बार आते हैं ये, क्योंकि रूस की क्रांति उन्हीं से जुड़ी हुई है, जार से। तो ये 1910 में कोरिया पर अधिकार कर लेता है जापान, 1945 तक उसका अधिकार रहता है। इसके बाद हम जानने वाले हैं कि आखिर 1945 में जब कोरिया का किस तरह से नॉर्थ कोरिया बनता है, साउथ कोरिया बनता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बेसिक चीजें जो थी वो समझा दी गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर 1945 के बाद वो क्या क्या स्थितियां क्रिएट होती हैं, रूस क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, किस तरह से जापान की जो कॉलोनी बन चुकी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, क्योंकि मैंने बताया 1910 से 1945 तक अब कोरिया अधीन किसके रहेगा, जापान के।
तब जापान किस तरह से हराया जाता है, उसकी कॉलोनियों को बांट लिया जाता है, और हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं आखिर सारी चीजें कैसी परिस्थितियों में होती हैं। दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।